भूतों से क्या डरना? बच्चों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये स्कूल बंद हो रहा है। इस जमीन के मालिक ने स्कूल बंद करके यहाँ होटल बनवाने का फैसला किया है और एक बड़े बिल्डर को उसकी परमिशन भी दे दी है। तुम सब किसी और स्कूल में अपना एडमिशन करवा लो। सर, ये कैसे हो सकता है? आपकी परमिशन के बिना इस स्कूल की बिल्डिंग में होटल कैसे बन सकता है? आपने वो पेपर साइन क्यों किए? मैं स्कूल का मालिक नहीं हूँ, सिर्फ प्रिंसिपल हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रिंसिपल सर, प्लीज ऐसा मत करिए। इतने सारे बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में हो? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फाइनल डिसीजन है स्कूल की जमीन के मालिक का, समझे? सर, एक मिनट सुनिए तो। सर, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? सर, प्रिंसिपल सर तो एकदम बदल गए हैं। वो मुझे पहचाने तक नहीं। वी, हम चुप नहीं रह सकते। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। जिंदू, अगर हम उस बिल्डर को डरा के भगा दें, तो ये स्कूल नहीं टूटेगा। ओके, चलो हम भूत बनके उसे डराते हैं। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। कौन हो तुम और क्या चाहिए? मैं उस स्कूल में रहता हूँ जिसे आप तुड़वा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे तोड़ के होटल मत बनाइए। तुम उसमें रहते हो? ये कैसे हो सकता है? उसमें तो हॉस्टल नहीं है। मैं तो उसमें 100 साल से रह रहा हूँ। मैं उस स्कूल का भूत हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। तुम भूत हो? बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। क्या पियोगे, ठंडा गरम? मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वाह वाह, क्या जादू है! कैसे किया? अब मुझे भी सिखाओ। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। सिखाओ। मैं भूत हूँ, मैं किसी को ट्रेनिंग नहीं देता। मान जाओ मेरी बात, स्कूल मत तोड़ना वरना। प्लीज प्लीज, मुझे भी ऐसा जादू सिखाओ ना। प्लीज, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तुम मुझे बच्चा समझ के मुझसे नहीं डर रहे हो ना? मेरे और दोस्त आएंगे और तुम्हारी अच्छी खबर लेंगे। चिंटू, क्या इशारा कर रहे हो? दीवार के पास जाना है। लेकिन क्यों? दरवाजा तो है ना? फिर आना प्लीज, मुझे भी जादू सीखना है। बड़ा अजीब आदमी है, भूत से भी नहीं डरता। मैं एनाकोंडा बन के यहाँ से जाता हूँ, देखना कैसे भागेगा यहाँ से। ध्यान से सुनो तुम, मैं तुम्हारे स्कूल का भूत हूँ। तुमने स्कूल तोड़ा तो मैं तुम्हें पूरा निगल जाऊंगा। ओ, तुम भी भूत हो? तुम्हारा एक दोस्त कुछ देर पहले ही आया था। मैंने तो सचमुच का एनाकोंडा समझा। बेकार ही डर रहा था। डरोगे नहीं तो मेरे पेट में जाओगे। एक मिनट एनाकोंडा भूत जी, मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। रुक जाओ ना प्लीज, मैं अपने बच्चों को बुलवा लेता हूँ, वो तुमको देख के बहुत खुश होंगे। अरे सुनती हो, चुन्नू मुन्नू बबली भैया को लेके जल्दी आ जाओ। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें डराने आया हूँ, फोटो सेशन के लिए नहीं आया।
पहली बार जिंदगी में इतनी बेइज्जती हुई है, वो डरता ही नहीं है, मेरा जादू फेल हो गया। जिंटू तुम चिंता मत करो, हमें कोई और तरीका सोचना होगा, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। पहले ये पता लगाते हैं कि प्रिंसिपल सर मुझे पहचाने क्यों नहीं। हाँ, ये बड़े ताजुब की बात है, तुमने स्कूल में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें ना पहचाने। लगता है वो बदल गए हैं। यस, बदल गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई असली प्रिंसिपल ना हो, उसका कोई हम शक्ल हो। हाँ, जरूर हो सकता है, दाल में कुछ काला है। मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। जिंटू, मुझे प्रिंसिपल सर जैसा बना दो, मैं उस बिल्डर से बात करके असलियत पता करता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। ओके जिंटू, चलो बिल्डर के पास चलते हैं। उप्स, जिंटू मेरी आवाज और मेरे कपड़े सब प्रिंसिपल जैसा करो। हाँ, अब ठीक है, लेट्स गो। ओ घनश्याम दास, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे कहा था ना कि स्कूल की बिल्डिंग टूटने तक मुझसे नहीं मिलना, और बिल्डिंग टूटने के बाद ये मास्क जला के शहर छोड़ देना। ये मास्क जला दूं? यानी कि मेरा शक सही था, स्कूल में घनश्याम नाम का कोई नकली प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल सर के चेहरे जैसा मास्क लगा के आया है। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन असली प्रिंसिपल का क्या होगा? वो स्कूल के ही गोडाउन में कैद है, उसका बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। चलो जिंटू, स्कूल के गोडाउन चलो, आज इस बिल्डर की पोल खोलनी है। अरे, ये तो वो जादूगर था, ये मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा। हेलो, हाँ सुनो, प्रिंसिपल को छुड़ाने कोई आने वाला है, वो जादूगर है, उसके जादू से मत डरना, ठीक है? वो भूत बन जाता है, एनाकोंडा बन जाता है, तुम लोग उसे मार मार के भगा देना, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। वो लोग आ रहे हैं बॉस। वीर, प्रिंसिपल सर को छोड़ दो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बड़ी भूख लग रही है, चल के कुछ खा लेता हूँ। प्रिंसिपल सर को यहाँ से ले जाओ जल्दी। ओके वीर। इमली चलो। ये देखो हमारे शूरवीर, अंदर युद्ध हो रहा है और ये मजे से यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जिंटू, प्रिंसिपल सर को होश में ला फौरन। अरे देख क्या रहे हो, एक साथ मिलके अटैक करो। लेजर गन से तुम और प्रिंसिपल भाप बन के हवा में गायब हो जाओगे और मेरा राज किसी को पता नहीं चलेगा।
बाय बाय मिस्टर जादूगर। हम शक्ल अपना असली चेहरा तो दिखाओ। थैंक यू वीर, तुमने स्कूल को बचा लिया, सब बच्चों के भविष्य को बचा लिया। थैंक्स अ लॉट। यू आर मोस्ट वेलकम सर। कौन हो तुम यार? जादूगर हो, स्टंटमैन हो, सुपर हीरो हो, अरे कौन हो? वैसे तुम आपके कुछ नहीं लगते। नाम है वी। मेरी लेजर भी इतनी छोटी है कि इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन चलो कुछ तो असर हुआ। वीर तुम जल्दी कुछ करो, वो बर्ड फिर आ रही है, मैं तो उसे डुलाटी भी नहीं मार सकता। एक आइडिया है, चलो सब बौरे के पीछे आ जाओ। वॉकी टॉकी ऑन। वॉकी टॉकी ऑन। पी, इस वॉकी टॉकी से दादाजी से बात नहीं हो सकती क्या? दादाजी को मेरी बात सुनाई नहीं पड़ती और उनकी आवाज इतनी तेज आती है कि हम सुन नहीं सकते। अब हम इस भंवरे को अपने घर तक उड़ा के ले जाएंगे। वाले, तेरा लख लख शुक्र है कि सॉफ्ट लैंडिंग मिली है, चोट नहीं लगी। अच्छी। 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 किसी ने कहा था यहाँ का वेज पिज्जा बहुत अच्छा होता है। गौर से देखो, ये नॉन वेज है। हेलो हेल्प। वीर, वो तो सुन ही नहीं रहा, क्या करे? ड्रिल सूट ऑन। ड्रिल सूट ऑन। ओके दोस्त, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर पिज्जा। ओह नो, इमली चुलबुल तो उस बैग में है। लगता है वीर आस पास ही है। चुलबुल वीर कहाँ है? चुलबुल यहाँ से बाहर निकालो जल्दी। इमली, मुझे डर लग रहा है। वीर वीर कहाँ हो तुम? कहाँ? वीर रुको।
किस बात का डर? मैं तो साथ था ना। अगर हम इस कॉक को खोल दे तो सोडा इस कॉक को हवा में उछाल देगा और हम कॉक पकड़ के इस बैग से बाहर आ जाएंगे। ओके चुलबुल, तुम जोर से डुलाटी मारो, मैं तुम्हें पकड़े रहूंगा। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, हम बच गए। हम बहुत ऊपर हैं, अब यहाँ से कैसे नीचे जाएंगे? इस रॉकेट में सब बैठ जाओ, मैं बताता हूँ नीचे कैसे जाएंगे। वो है बहुत पास, लेकिन कहाँ? ये! यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रही हूँ। बंटी के चार्ट पे ही गिरना था। चलो चुपचाप नीचे चलो। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो वीर है। वीर, इमली, चुलबुल इतने छोटे छोटे कैसे हो गए? जरूर कोई जादू कर रहे होंगे। और खुद ही फंस गए। अब तुम सबको मजा चखाऊंगा मैं। मारू मारू, एक टपली मारू क्या? हाँ मारू, ए, 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 मारू। बंटी प्लीज, दादाजी को बुला दो। बंटी, मैं तो डांस करूंगा डांस। आज वीर मेरे जंगल में आया है। ये देखो डिस्को डांसर को, पर्दे के बजाय डांस हो रहा है। चलो नीचे नीचे चल के मेरे सामने पड़ो। मम्मी मम्मी मम्मी, देखो देखो, वीर छोटा हो गया है, एकदम छोटा, एक इंच का। देखो देखो देखो, चल उल्लू किसी और को बनाना, चल नीचे चल। पहली बार मिसेस चड्ढा को थैंक्स बोलने का मन कर रहा है। वो देखो, चिपकली इधर ही आ रही है, भागो। इमली इस दीवार पे चढ़ के रेलिंग से स्लाइड करते हैं, चिपकली हमें पकड़ नहीं पाएगी। इमली चुलबुल जल्दी और तेज, वो पीछे है। अब ये स्टंट तो मुझसे भी नहीं होगा। जितना तेज भाग सकते हो बाहर भागो, इस वैक्यूम क्लीनर में आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने तो कहा था वीर अपने घर ही वापस आएगा, लेकिन कब आएगा? उसने ठीक कहा था, वो आ गया। इमली वो देखो, टिम्बकटू की कमर में वो श्रिंकिंग गन है, वो हमें मिल जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे। दादाजी कहते हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे उसे ही वीर कहते हैं। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन।
चिंटू तुम कहाँ हो? वीर कल से गायब है और तुम्हारा भी पता नहीं। मैं कहाँ हूँ पता नहीं। अरे दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे साथ चलो मैं बताता हूँ। वीर तुम कितने छोटे हो, इतने बड़े टिम्बकटू से कैसे लड़ोगे? उससे जितना इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? बॉस हेल्प बॉस। दादाजी। वीर। दादाजी उसकी श्रिंकिंग गन से हमें ठीक करिए। अरे टिम्बकटू को खड़ा करो, मैं इसे डुलाटी मारना चाहता हूँ। इसे खड़ा करो अभी। टिम्बकटू को खोल दो चिंटू। तुमने मेरे बच्चों को श्रिंक किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे रुको रुको, मैं जब तक तुम्हें मार नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? एक से मेरा क्या होगा, एक के बाद एक फेंकते रहो। चड्डा अंकल। अंकल एक मिनट, आप हमारे फुर्सत गंज के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हैं। क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगे? मेरे ऑटोग्राफ? हाँ क्यों नहीं, किस पे दूं ऑटोग्राफ? मेरी कार? कौन ले जा रहा है? कॉलोनी में अजीब सी चोरियां हो रही हैं। घर के दरवाजे अंदर से बंद ही रहते हैं, फिर भी कोई चोरी करके भाग जाता है। हाँ? इसका मतलब ये है कि चोर इतना छोटा है जिसे दरवाजा खोल के अंदर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना छोटा चोर कौन हो सकता है? कहिए, कुछ काम था क्या? दादाजी कल रात हमारे घर में भी चोरी हो गई। सब दरवाजे अंदर से बंद थे, पता नहीं चोर कैसे आया और कैसे बाहर गया। वीर देखो कितना सुंदर तोता है। मिठू मिठू, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अरे ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? कल रात तो ये मेरे घर में था, मुझे छत पे मिला था, मैं अपने साथ ले आई थी। सुबह सुबह ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आंटी पता करिए, जिस जिस घर में चोरी हुई है वहाँ उस रात ये तोता भी था क्या? वीर एक तोता चोरी कैसे कर सकता है? हाँ वीर, दो तीन लोगों को तो मैं जानती हूँ जिनके यहाँ चोरी हुई, वहाँ उस रात ये तोता भी था और सुबह सुबह गायब हो गया। लेकिन एक तोता कैसे चोरी कर सकता है? इमली तुम इसे घर ले जाओ, लेकिन रात में नजर रखना, अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो मुझे फौरन खबर कर देना, ठीक है? आप जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। वीर चलो पहले तुम्हारी सर्विसिंग करवा दूं। आज वीर की पोल जरूर खुलेगी। मम्मे! कहाँ हो तुम? देखिए देखिए, आप अपने आप ही देख लीजिए, देखिए।
क्या कर रहे हैं आप? बंटी कहाँ है मशीन? तुम हमेशा हमें परेशान करते रहते हो। इस बार तो मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। रुकिए, ये देखिए। वो क्लिप कहाँ गई जो मैंने शूट की थी? तुम कान पकड़ कर घर चलो, मैं बताता हूँ कि वो क्लिप किधर गई। मम्मी मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मम्मी मेरी बात, मम्मी रुको, मम्मी कहाँ जा रही हूँ? मैंने क्या, मैं क्या सच कह रहा था? मम्मी मम्मी हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? तू घर चल, फिर बताता हूँ तुझे। सही था, तोता ही चोर है। आओ और इसे पकड़ लो। तोते से कोई चोरी करवा रहा है, मैं इसका पीछा करके उसे पकड़ूंगा। वो बाहर निकल गया। डोंट वरी, मैं देख रहा हूँ। पंखों का पीछा पैरों से नहीं हो सकता। जिंटू को बुलाओ, वो हमें उड़ा के ले जाएगा। तब दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन। यस बॉस, क्या काम है? हमें उस तोते का पीछा करना है, हमें उड़ा के ले चलो। थाई विश इज माई कमांड बॉस। इस बार वो बच गया, नेक्स्ट टाइम कुछ और सोचना होगा। जिंटू सुनो, अब तुम्हें क्या करना होगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ और, ये नहीं, प्लीज। ठीक करो, जल्दी ठीक करो। वीर कम ऑन, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। हाय आंटी। चलो अब थोड़ा बाहर घूम आए ताकि चोर तुम्हें देख ले और अपने तोते को भेजे। चलो वीर। मैं क्या देख रहा हूँ? बेटा चलो, अब तुम्हें बताता हूँ आज कहाँ चोरी करनी है। वीर, ये क्या हाल बना रखा है। ये सब जिंटू की मेहरबानी है। हैं? जिंटू, ये तुम हो। गुड। जिंटू जल्दी से मुझे ठीक करो, मैं इस हालत में बाहर नहीं जा सकता। और तुम भी ठीक हो जाओ। ओके बॉय। ये छत पे बैठ के मीठू मीठू कर रहा था, तुम्हारा शक ठीक निकला। जिंटू तुम इसी रूम में जाके सो जाओ। okay, और दादाजी आप पैरट को जिंटू के रूम में ही रख दो। जिंटू, आंटी ने जैसे समझाया है वैसे ही करना। अब ये क्या करेगा? ये रोबोट उस पैरट का पीछा करेगा और मैं इसको ट्रैक करके पैरट के मालिक तक पहुंच जाऊंगा। वो तोता तो सेवर लेकर उड़ गया। जाओ उसका पीछा करो। System
वेरी गुड मिठू मियां, वेरी गुड। इलो तुम्हारा इनाम। थैंक यू। चोर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इतने सुंदर तोते को चोर बना दिया, क्यों? ए बच्चे, तुम हो कौन? चलो जाओ यहाँ से। मैं जाने नहीं, आपको और सारे जेवर को लेने आया हूँ। ये मुँह और मसूर की दाल। कहाँ है दाल? कहाँ है दाल? मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहावत है चोर जी, आपने तो सुना ही होगा, बुरे काम का बुरा नतीजा। सब जेवर वापस कर दो वरना जेल जाना पड़ेगा। तुम मुझे जेल भेजोगे? मेरे प्यारे साथियों, इस लड़के और डोंकी को यहाँ से काट काट के भगा दो। मेरी नाक काट ली। वीर बचाओ जिंटू। ये तुम्हें आसमान में ले जाके नीचे फेंक देगा। हे दोस्तों, तुम लोग मुझसे क्यों लड़ रहे हो? उस आदमी ने तुम्हें चोरी करना सिखाया है और चोरी करना पाप है। ये लड़का ठीक कह रहा है, उसने हमें चोर बना दिया। पैरट्स चोर नहीं होते, वो तो बहुत प्यारे पंछी होते हैं, सब उन्हें प्यार करते हैं। उस आदमी की वजह से सब लोग पैरट्स को चोर कहेंगे। हम अपने सब साथियों का नाम बदनाम नहीं करेंगे। सजा ही देना है तो उसे दो, मुझे नहीं। ये लड़का ठीक कह रहा है, उसने हमें चोर बना दिया। चलो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, बचाओ। देखा चुलबुल, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। छोड़ो मुझे, बचाओ।